कहते हैं वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, एक सैनिक एक अफसर जिसने मिलिट्री ट्रेनिंग कर ली है वो जिंदगी भर तक उसके उसूल उसके एथिक्स उसका डिसिप्लिन नहीं छोड़ता। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 7 भारतीय नौसेना के अफसर और एक सैनिक को फॉल्स केसेस के तहत सजाए मौत सुना दी जाए। डिफेंस एस्पिरेंट्स में बात कर रहा हूँ आजकल प्रिवेलिंग कतर केस की, जिसमें भारतीय नौसेना के 7 जाबाज अफसर और एक सैनिक को कतर ने फांसी की सजा सुना दी। आइए वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर से समझते हैं कि ये पूरी वारदात क्या थी। मैं आपको बता दूं, ये 7 ऑफिसर्स में से कुछ ऐसे भी ऑफिसर हैं जिन्होंने स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से अपना कोर्स कंप्लीट किया है और ये वो हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं। जी हाँ, भारत में स्टाफ कॉलेज को कुछ और नहीं बल्कि फौज का IIT बोला जाता है। जो इस कोर्स को कंप्लीट कर ले जाए कंप्लीट कर लेता है वो पॉलिसी मेकर हो जाता है। उसको पता है कि क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसे देश की सिक्योरिटी को एनहेंस करना है। इसमें से एक ऑफिसर ऐसा भी है जिसने पूरे इक्वेटर को 2 बार सोलो ट्रैवल करके क्रॉस किया है। इतने जाबाज अफसर, इतने भारत के अनमोल रत्न, इनके अगेंस्ट ऐसी क्या चीज़ हो गई कि इनको सजाए मौत की सजा सुना दी गई। सर प्लीज़ इस केस पे हाईलाइट डालें। सर बिल्कुल, बड़ा शॉकिंग था कल ये जब डिसीजन कतर से आया, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। देखिए 7 जो ऑफिसर्स हैं, पहले तो इनको नाम बता दिए जाए जी। कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं इसमें, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमोडोर अंकित नागपाल, कमोडोर पूर्णेंदु तिवारी, कमोडोर सुगनाकर पकाला जी। ये वही हैं जिन्होंने इक्वेटर दो बार जी इन्होंने किया था ये स्टाफ कॉलेज करके। कमोडोर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश ये लोग हैं जिनको फॉल्स केसेस में कतर ने फंसा दिया। अब इस बात को, ये बहस का मुद्दा तो है मगर इसकी गहराई में जरा देखें सर तो कारण बड़े स्पष्ट नजर आते हैं। पहली बात तो कतर के साथ हमारा कोई आज का रिश्ता नहीं है। कतर और इंडिया के रिलेशंस की हिस्ट्री में जाके देखें, ये 1973 से रिलेशंस चल रहे हैं हमारे उनके साथ, 1973 से। और आज की डेट में इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कतर के लिए, जो अनाज का जो निर्यात करते हैं हम इनके पास, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो निर्यात, जो जितना इनके पास अनाज है उसमें सबसे ज्यादा अनाज ही हम ही से लेते हैं। अच्छा, और उसके बावजूद आपकी मतलब पॉलिसी हमारी खा रहे हैं और हमारे ही सैनिकों को, ये कट्टरवादिता जो आई है। अब देखिए इस केस को और थोड़ा सा ध्यान से समझें तो जून 2022 में नुपुर शर्मा जो BJP की लीडर थी और नवीन जिंदल, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था रिलीजन के अगेंस्ट या प्रॉफिट के अगेंस्ट, ये जून 2022 में, याद है मुझे, है ना, बड़ा मसला हुआ था और उसमें कतर ने साफ तौर पर हमारे एम्बेसडर को वहां से हटा दिया था। प्लस उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि इंडिया जो है पब्लिकली माफी मांगे, सॉरी बोले दुनिया के सामने आकर के, भारतीय गवर्नमेंट सॉरी बोले इसके लिए। ये वारदात है जून 2022 की जी। और अगस्त 2022 में आपके यहाँ ऐसा कांड आ जाता है कि ये जो है 7 या 8 लोगों को आप अरेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। जिस कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे वो आपके लिए डिफेंस के ट्रेनर्स प्रोवाइड करती है, जिसको जो दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज जो है, ये कंपनी बनी कब, 2014 में। अच्छा, 2014 से ये कंपनी चल रही थी तो 2014 से 2022 तक किसी के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? और फिर इन ऑफिसर्स के ऊपर केस हो जाता है, दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर केस हुआ और उनके CEO को बेल मिल गई। उनको कैसे बेल, ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग, CEO को कैसे बेल मिल गई, उनको कैसे बेल मिल गई साहब, ये तो बड़ा मतलब एक बहस का मुद्दा है जिसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। और तो और देखिए, अगस्त 2022 में आप इनको अरेस्ट करते हैं, इनकी हियरिंग कब शुरू की कतर ने,
मार्च 2023 अगस्त 22 से मार्च 23 इस बीच में कोई वो सिर्फ जेल में थे, नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम आउटर वर्ल्ड और ना कोई सुनवाई, ना कोई कार्रवाई, ना कोई आपने उनकी हियरिंग शुरू की। और आपने अचानक मार्च से जब आपकी हियरिंग शुरू हुई उस बीच में जो नवतेज गिल साहब की सिस्टर हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा 8 जून 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें पीएमओ को भी टैग किया गया था जी। वो वहाँ पर शायद इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, मुझे ये लगता है वो एक्शन नहीं लिया, एक्शन अभी भी ले लेगी, इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर नहीं है, कतर बिल्कुल उस गलत फहमी में है, उनको ऐसा लगता है कि तुम खाते भी हमारी हो और फिर उसके बाद कार्रवाई भी आपकी इस तरीके की रहेगी, ये तो कहीं से चलने वाला नहीं है। आपने आरोप भी क्या लगाया कि इंडिया के वो 8 ऑफिसर्स जो थे या 7 ऑफिसर्स और एक जो सेलर थे उस कंपनी के साथ, वो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, ठीक है, और इजराइल और कतर का रिलेशन सबको पता है जी, इजराइल और टर्की का रिलेशन सबको पता है जी। ये इजराइल बीच में उन देशों के बीच में फंस गया जाकर के। अच्छा, फिर कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान ने कतर की गवर्नमेंट को पैसे भी दिए हैं इस चीज को करने के लिए, हाँ जी, ये अरेस्ट करने के लिए और मतलब इनको ना छोड़ने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। और ये इतने महीने जो बीच में केस को गुमनाम रखा गया उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, एंटी इंडिया, ठीक है, और वो सिर्फ रिलीजियस कारण के वजह से हुआ इस तरीके का, अदरवाइज कतर के साथ रिलेशन इतने खराब नहीं थे इंडिया के। आपने, हमने तो आपसे कोई डील नहीं की थी 2008 में, आपने जो है अपनी मैरिटाइम डिफेंस एग्रीमेंट आपने साइन किया था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे कतर की यात्रा पर जी। तब इन्होंने नवंबर 2008 जी, तब आपने जो है अपने मैरिटाइम डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए थे वहां पर और आपने मांग की थी कि भारत उसमें सहयोग करे। तो 2008 से 2022 तक हम अच्छे थे और 2022 में आकर के अचानक खराब हो गए, ये तो आप अपनी एग्रीमेंट को क्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, सही बात है। आप ये बात समझिए कि किस तरीके से ये चले और कितनी खराब, ये साफ साफ आईने की तरह साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि ये सिर्फ सोची समझी दुश्मनी निकाली जा रही है और कुछ नहीं है इस तरीके का। आप ऐसा क्लेम मत करिए जिससे दुनिया में और अशांति फैल जाए या आपका नाम खराब हो जाए, आपकी कट्टरवादिता और साफ साफ नजर आने लग जाए। देर आर सो मैनी इंडियंस, इंडिया का बहुत पैसा इन्वेस्ट, कतर ने अकेले इन्वेस्ट नहीं किया, कतर ने जो किया होगा गैस पाइपलाइन और गैस के ऊपर किया इंडिया के अंदर, लेकिन इंडियंस ने जो आपके यहाँ इन्वेस्ट किया है वो बहुत सारा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्लस हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नागरिक आपके यहाँ काम कर रहे हैं जी, जी, उनके ऊपर भी फर्क पड़ जाएगा इस चीज़ को, आपके यहाँ लोग आने से डरेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप बहुत छोटे छोटे देश हो, अगर भारत के लोग निकल करके आपके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे तो वो इमारतें खाली पड़ी रह जाएंगी, कोई नहीं मिलेगा। इंडियाज पॉपुलेशन इज इट स्ट्रेंथ सर, ये स्ट्रेंथ है, हम हमारे इंडियंस जो कतर में हैं वो पैसा कमा के दे रहे हैं उस देश को सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये इनको समझना चाहिए कि ऐसा ऐसा कदम उठाने से पहले अभी भी इनके पास बहुत मौका है, इंडियन गवर्नमेंट स्टेप लेगी और इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने चाहिए बिल्कुल, कि ऐसी कोई वो चीज़ ना रखें कि आपके लोगों को कोई फांसी की सजा सुना दे और आप जो है उनके साथ डिप्लोमेटिक बात ना करें इस समय, अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के, और भी मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ऐसी बात हो ही रही होगी सर, हो ही रही होगी बिल्कुल, बट समय है, वी एज इंडियंस वी शुड बी यूनाइटेड और ऐसी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक, आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि एक बार को शायद आम नागरिक के ऊपर ये केस होता तो फिर भी एक एक एलिमेंट ऑफ डाउट बन सकता था जी। लेकिन 7 अफसर, वो अफसर जो स्टाफ कॉलेज से पास आउट हैं, वो अफसर जिन्होंने अपनी अपनी सेवा देश की सिक्योरिटी के लिए दी है, हमारा इतना तो बनता है यार कि हम उनको सपोर्ट करें। त्रिशूल डिफेंस अकेडमी स्टैंड्स सपोर्टिव टूवर्ड्स 8 नेवी मैन, हमारा सपोर्ट है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें वीडियो को और एसेंस समझें कि यार कतर को ये स्टेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाला जो 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 इसका आउटकम है ना बहुत बुरा है, कतर के लिए ही बुरा है, क्योंकि कतर की इकॉनमी आज भारत से बहुत पीछे हैं वो लोग, और
हिंदुस्तानियों की वजह से उनकी देश चल रहा है, उनकी इकॉनमी चल रही है। देखो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स तो पाकिस्तान करता ही रहेगा क्योंकि वो अपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमें इस वक्त यूनाइटेड होके ऐसी वीडियोस को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी जनता बोले, ट्वीट करे, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, ट्विटर पे डाले, लिंक्डइन पे डाले और उन तक भी ये आवाज़ पहुंचे कि हम कितने अगेंस्ट हैं आपके इस डिसीजन के। प्लीज सपोर्ट नेवी मैन, प्लीज सपोर्ट, कोशिश ये हम सबकी होनी चाहिए कि ऐसी चीज ना हो और हमारे 8 भारतीय नौसेना के अफसर और जवान वापस सुरक्षित आ जाए। प्लीज सपोर्ट करें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।